हेलो दोस्तों, यहाँ पे वीवो ने अपने एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। नाम रखा है वीवो Y73। वीवो Y73 की जो प्राइस रखी गई है वो है 20,990 रुपए। अब 20,990 रुपए में वीवो Y73 आपको क्या चीजें ऑफर करता है और क्या चीजें ऑफर नहीं करता है, यानी कि प्राइस के हिसाब से क्या चीजें आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलती है, किन चीजों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्यों आपको इस फोन को लेना चाहिए और क्यों आपको इस फोन को नहीं लेना चाहिए, इन सारी चीजों में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप अभी तक वीवो के Y73 फोन को लेने का प्लान बना चुके और आप उसको परचेस करने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि फोन में क्या क्या चीजें नहीं है, क्या आपके लिए फोन है या नहीं, क्योंकि यहां पे हम कैटेगराइज करेंगे किस बंदे के लिए ये फोन है और किस बंदे के लिए नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने इसकी कंपैरिजन वीडियोस देख ली होंगी, इसकी स्पेसिफिकेशन वीडियो देख ली होंगी, अनबॉक्सिंग वीडियोस भी आप देख ही चुके होंगे। तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इस फोन में आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में और इस फोन की कुछ अच्छी चीजों के बारे में भी। इस फोन की तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आप इस फोन में फेस करेंगे या आपको इस फोन के साथ मिलने वाली है वो है दोस्तों यहाँ पे आने वाली डिस्प्ले। यहाँ पे आपको 6.44 इंच की एक एमोलेड पैनल वाली डिस्प्ले मिलती है जो कि फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ आती है, बट दोस्तों यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है, ना ही 60 हर्ट्ज का, ना ही 90 हर्ट्ज का, ना ही 120 हर्ट्ज का। अब यहाँ पे रिफ्रेश रेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया आज की डेट में? तो अगर आपको स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपको अपना गेमिंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेटर करना है, डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको और अच्छा चाहिए और स्मूथ चाहिए, तो यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया है। तो ये इस फोन की एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और यहाँ पे आपको इस चीज़ को नोटिस में रखना चाहिए कि आप जो फोन ले रहे हैं उसमें किसी भी टाइप का रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा। बल्कि आप इसी प्राइस पर अगर और किसी ब्रांड के साथ जाएंगे, जैसे कि रियलमी, रेडमी, आईक्यू, पोको, इन जैसे ब्रांड्स के साथ जाएंगे तो आपको अच्छा रिफ्रेश रेट वाला फोन देखने को मिलेगा, तो वो कंपटीशन में काफी पीछे रह जाता है वीवो का Y73। अब अगर बात करें इस फोन में आने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में तो वो है इस फोन में आने वाला प्रोसेसर। तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है मीडियाटेक का G95 प्रोसेसर। अब G95 प्रोसेसर एक काफी अच्छा प्रोसेसर है और प्राइस के हिसाब से यहाँ पे ठीक जगह पे नहीं रखा गया, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में प्रोसेसर में कोई भी कमी नहीं होगी, आपको किसी भी टाइप की लैगिंग देखने को नहीं मिलेगी, बट जो प्राइस आप पे कर रहे हैं उस प्राइस के हिसाब से यहाँ पे प्रोसेसर और ज़्यादा इंप्रूव होना चाहिए था। यहाँ पे शायद 5G प्रोसेसर को भी ऑफर कर सकता था वीवो, तो वो एक यहाँ पे चीज़ नहीं करी गई है, तो जो यहाँ पे होना चाहिए था। और यहाँ पे ये जो प्रोसेसर है वो आज की डेट में आपको 11,000, 12,000 या 13,000 रुपये में आराम से अवेलेबल हो जाता है। काफ़ी सारे कंपनीज, काफ़ी सारे ब्रांड्स इस प्रोसेसर को हमें 12-13 हज़ार में प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ पे हम 21,000 रुपये पे कर रहे हैं सेम प्रोसेसर के लिए, तो ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ नहीं है। अगर हम परफॉर्मेंस के मामले में बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेटर होनी चाहिए थी इस फोन की प्राइस के हिसाब से। बात करें इस फोन की तीसरी एंड द लास्ट प्रॉब्लम के बारे में, तो वीवो को सब एक कैमरा फोन के तौर पे मानते हैं, यहाँ पे कैमरा सेंट्रिक फोन होता है, कैमरास के मामले में वीवो काफी कमाल काम भी करता है। इवन अगर सेल्फीज की बात करें तो सेल्फीज में तो वीवो एक अलग ही लेवल पे काम करता है, बट यहाँ पे कैमरा भी इस फोन का कुछ खास नहीं रखा गया है, कुछ बहुत बढ़िया नहीं रखा गया है। यहाँ पे आपको रियर में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल की प्राइम लेंस मिलेगी जो f1.8 के अपर्चर के साथ आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट दोस्तों यहाँ पे बाकी की जो दो लेंसेज है वो आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि f2.4 के अपर्चर के साथ आएगा। यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी नहीं दी गई है। यहाँ पे ओवरऑल मैं कहूँगी कैमरे में आपको एक सिंगल लेंस कैमरा देखने को मिलता है जो कि 64 मेगापिक्सल का है, बाकी की 2-2 मेगापिक्सल वाली लेंसेज को तो आप बोल ही जाओ वो बिल्कुल भी कुछ काम नहीं आने वाली है, आपके प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेकार क्वालिटी आपको मिल सकती है। बात करें यहाँ पे आने वाले इसके सेल्फी कैमरा की, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रखा गया F2 के अपर्चर के साथ, जो कि मैं कहूँगा एक डिसेंट कैमरा है और यहाँ पे वीवो का जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होता है उससे आपके जो फोटोज हैं वो काफ़ी बढ़िया निकल के आएंगे अगर आप सेल्फी की बात करें तो। बट रेयर कैमरा काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता था इसके कंपैरिजन में, जो यहाँ पे वीवो ने नहीं किया इस प्राइस पॉइंट पे। दोस्तों ये हैं सारी की सारी चीज़ें जो आपको इस फोन के बारे में पता होनी चाहिए और इस फोन की तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स। इस फोन की अगर हाईलाइट की बात करें तो फोन की डिज़ाइन दिखने में काफ़ी अच्छी है, अगर आपको वीवो ब्रांड पसंद है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ये फोन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह अवेलेबल मिलेगा, तो वो भी एक इस फोन का एक हाईलाइट है। यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी देखने मिलती है, 55 वाट की चार्जिंग देखने मिलती है, तो वो इस फोन का एक काफ़ी बढ़िया पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। सो ये हैं सारी की सारी चीज़ें जो वीवो के Y73 के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप इस फोन को लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर
अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हैं तो ये फोन कैमरा सेंट्रिक नहीं है, अगर आप एक परफॉर्मेंस वाइज टॉप एंड फोन ढूंढ रहे हैं इस प्राइस पॉइंट पे तो वो भी ये नहीं है, और अगर आप एक बहुत बेहतरीन डिस्प्ले वाला फोन ढूंढ रहे हैं तो वो भी ये फोन नहीं है। डिजाइन वाइज ये फोन काफी अच्छा है, वीवो ब्रांड के हिसाब से ये फोन काफी ज्यादा अच्छा है, तो इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों यही है पूरी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को दबा दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं दबाया। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।